जनपद संभल की तहसील चंदौसी के टिस्को क्रय केंद्रों पर लगी भीड़। ये भीड़ खाद लेने आई है, लेकिन खाद की समस्या जनपद संभल के साथ साथ कई जनपदों में लगातार हो रही है। इससे किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें चिंता है कि समय पर खाद नहीं मिल पाती है तो उनकी फसलों का क्या होगा। यहाँ क्रय केंद्र प्रभारियों का कहना है कि हम प्रतिदिन 4-4 गाड़ी खाद बांट रहे हैं, लेकिन तब भी किसान छूट जाते हैं। ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संभल जनपद में करीब 40,000 हेक्टेयर में धान की फसल का उत्पादन होता है। 11 अगस्त तक करीब 55,000 मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री हो चुकी है, जबकि गत वर्ष खरीफ के सीजन में अप्रैल से 30 सितंबर तक मात्र 51,000 मीट्रिक टन यूरिया की खपत हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं आज इफको किसान सेवा केंद्र चंदौसी मंडी जनपद संभल में पहुंच चुका हूं। यहां पे किसानों के लिए यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। मैं आपसे यहां पे लोगों का कहना है कि जो अपने अधिकारीगण हैं वो किसी को तो 10 कट्टी दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, कोई ब्लैकमेलिंग कराए। जी मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है भाई आपका? खुर्दागेट लोधियान मोहल्ले से। लोधियान मोहल्ले से आप यूरिया लेने के लिए यहाँ कितनी देर से लाइन में लगे पड़े? 7 बजे से खड़ा हूँ। अच्छा, तो आपको क्या समस्या लगी यहाँ पे? समस्या कहाँ था, मैं 3 दिन हो गए आते हुए, रोज वापसी जा रहा हूँ लौट लौट के। अच्छा, तो आपने क्या बात करी अधिकारियों ने, क्या बताया आपको, क्या अनुभव लग रहा है यहाँ पे? नहीं आता जब तक। अच्छा, जो आप अभी कह रहे थे ब्लैक हो रहा है, वो क्या दिक्कत हो रहा है? कल परसों मेरा साला लेकर गया 350 रुपये कट्टा ही पैसे। अच्छा, 350 रुपये कट्टे में कितना भी कट्टा ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है? ये तो मैं नहीं कह सकता कितने कट्टे ले लो, ले लेकर यहीं पे बेच रहा है, 5 बजे के बाद यहीं बेचना चालू कर। यह बता दीजिए आपको क्या समस्या है भाई? मुझे खाद ही नहीं मिल रहा सर, जो समस्या। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा। अच्छा, राजीव शर्मा जी, आप अधिवक्ता हैं क्या? नहीं, किसान है। अच्छा, किसान है। अच्छा जी, और बताइए भाई आपको क्या समस्या है? खाद ही नहीं। ये सभी किसान देखिए इतने भर लाइन लगी पड़ी है, सभी किसान ये यूरिया के लिए परेशान हैं, और यहाँ पे 2-3 दिन लगातार यहीं पे बैठे पड़े हैं। यहाँ पे देखिए यूरिया भी बट रहा है एक गाड़ी का, तब भी सुबह से शाम तक नंबर नहीं आ पाता है। जी हाँ बताइए, क्या नाम है भाई आपका? किशनकांत शर्मा। किशनकांत जी, आप कहाँ से आए हैं? अंदेली से। अच्छा, आपको खाद नहीं मिल पाया क्या? अच्छा, कितने कट्टे आपको जरूरत है इस समय? 5 कट्टे की जरूरत है। कट्टे नहीं मिल पा रहा है? अच्छा, ऐसा है जी, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, किसी से साठ गांठ कर लिया, अब कोई लाइन में लगा दी एक व्यक्ति, तो उससे बातचीत कर ली, तो 80 रुपये के पैसे देंगे और 350 रुपये का उसे दे देंगे, तो इसके चक्कर में बाहर से अंदर से कट्टे निकाल के और बाहर के लिए ब्लैक कर रहा है। ये जो यहाँ पे काम कर रहे हैं यही लोग ब्लैक करवा रहे हैं बाहर। मैंने अपनी आंखों से कल कई बार फोन किया है और एडीएम साहब को फोन करा, कल मैंने एडीएम साहब कह रहे हैं मैं नहीं आ पा रहा हूँ, और इन्हें जिला कृषि अधिकारी को फोन कर रहा हूँ अभी, सही उनसे बातचीत हुई मेरी, तो वो ट्रॉली जब तक यहाँ से चली गई, वो ट्रॉली यहाँ से सुरैनी की थी कल। अच्छा, यहाँ से पूरी ट्राली लगभग 100 कट्टे ब्लैक में भरी गई थी। किसानों का कहना है कि यहाँ पर किसान यूरिया आ रहा है वो घोटाले में बेचा जा रहा है, किसानों को नहीं मिल रहा है। जी और कोई क्या कहना चाहेगा बताइए भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? अमन सिंह। अच्छा, सभी किसान यही दर दर भटक रहे हैं, मगर यूरिया नहीं मिल पा रहा है जनपद संभल में कुछ समय से, बहुत समय से। जी ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे बताइए, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल नाम। चंद्रपाल जी कहाँ से आए हैं आप? मऊवरी से। अच्छा, आपको यूरिया की कितने कट्टे की आवश्यकता है? 4 कट्टों की जरूरत है। अच्छा, क्या कितने दिन हो गए आपको लगे हुए यहाँ पे? 3 दिन से 4 कट्टा यूरिया नहीं मिल पाया जी। और भी हम लोगों से बात करें। जी भाई क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। आप कहाँ से आए हैं? कानपुर से। अच्छा जी, खानपुर। खानपुर। अच्छा जी, आपको कितने यूरिया कट्टा अभी आ सकता है यहाँ पे? एक ही मिल जाए, एक ही लेकर चले जाए। एक एक कट्टे के कितने किसान हैं यहाँ पे, देखिए हाथ खड़े करिए, कि देखो सारे एक एक कट्टे किसान के लोग हैं, एक भी कट्टा किसान यूरिया नहीं मिल पा रहा है, ये आप देख रहे हैं सारे लोगों को। जी जी क्या नाम है भाई आपका, नाम बताइए? रोहन। रोहन जी, आप कितने यूरिया लेने आए यहाँ पे? एक कट्टा। वो भी नहीं मिल पा रहा है? ना, कुछ भी ना। जी यहाँ पे इस समय आप देख रहे हैं बहुत सारे सेंटरों की भीड़ है, यहाँ पे यूरिया अभी नहीं मिल पा रहा है, किसान परेशान है। जी क्या नाम है अताव जी आपका? मुकुल सिंह है। कितने किलोमीटर दूर चल के आए चंदौसी में? 16 किलोमीटर चल के आया चंदौसी में, कोई 15, कोई 20, कोई 25, कोई 50। 3-3 दिन से भूखे पड़े हैं, कोई यूरिया भी नहीं मिल पा रहा है, बारिश में भी कल भीग रहे थे लोग। मैं ये आपको निशान दिखा रहा हूँ, यूरिया की भी दिखा रहा हूँ, देखिए कितने लोग ले भी जा रहे हैं। Thank you.